हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर 14 स्टार्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो जिसको एबनॉर्मल भी बोलते हैं हम। और सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एबनॉर्मल का क्या मतलब है, व्हाट इज़ एबनॉर्मैलिटी, मतलब ये कैसे डिसाइड होता है कि एबनॉर्मैलिटी है क्या, और कौन डिसाइड करता है कि नॉर्मल क्या चीज़ है, और नॉर्मल कोई चीज़ है या नहीं है, वो अब नॉर्मल की कैटेगरी में आएगा कि नॉर्मल में आएगा, ये किस तरीके से डिसाइड होता है। और स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर जो है उसको हम साइकोपैथोलॉजी भी कहते हैं। तो आगे चलते हैं, पहले तो हिस्ट्री पे चलते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसको हम एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। जनरली अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलें कि डिसऑर्डर्स एक इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि एबनॉर्मल मानी जाती है। तो हिस्ट्री में देखा जाए तो जब स्टार्टिंग में लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एकदम साइंटिफिकली टेस्ट किए जा सकते हैं या फिर उनका एक प्रॉपर इलाज हो सकता है, तो उस टाइम पे क्या किया जाता था, अगर सपोज़ किसी को कोई प्रॉब्लम है स्किज़ोफ्रेनिया टाइप की, जिसमें उनको हेलुसिनेशंस हो रही है और समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को लग रहा है कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ऑब्वियसली अगर ये अर्ली 3000 BC की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे तो इतनी डेवलपमेंट नहीं थी कि ये समझ में आ जाए कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, PTSD क्या होता है। तो अब उस टाइम पे लोगों को यही लगता था कि इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ चली गई है जो इनका दिमाग जो है उसको ख़राब कर रही है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, जब उन्होंने पुराने टाइम के ह्यूमन स्कल्स निकाले हैं जो उनको मिले हैं पुराने, उनमें देखा है कि छोटे छोटे होल्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, फोटो भी दी हुई है। तो उसमें ये चीज़ देखी गई है कि उनके स्कल में होल्स हैं छोटे छोटे। तो ये ऐसा क्यों था, तो ये बाद में ये चीज़ जो है उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा मतलब कि ये क्लैरिफाई की गई थी कि जो पुराने टाइम पे लोगों को अगर डिसऑर्डर्स हो जाते थे तो वो क्या करते थे, वो जाते थे उनके पास, जैसे जो चर्चेज में चले जाते थे क्योंकि वो रिलीजियस बहुत होते थे लोग, तो वहाँ चले जाते थे। तो वहाँ पे उनको ठीक करने के लिए उनके जो वो होते थे स्कल में ना होल्स कर दिए जाते थे। वो होल्स किस लिए करते थे, उनको लगता था कि हम स्कल में अगर होल कर देंगे, छेद कर देंगे, तो उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो बाहर निकल जाएगी, मतलब कि वो ठीक हो जाएंगे, कुछ ऐसा उनका मानना था। ये जो प्रोसेस ऑफ कटिंग होल्स इनटू द स्कल, ये जो प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिपैनिंग भी बोल सकते हो, या फिर यहाँ पे एक वर्ड और दिया हुआ है ट्रिफिनिंग भी बोला जा सकता है, ट्रिपैनिंग भी बोला जा सकता है। तो ये प्रोसेस पहले यूज़ किया जाता था। अभी क्या है, आज के टाइम पे आपको कहीं ऐसे सुनने को मिल सकता है कि कहीं पे किसी के स्कल में ऐसे छोटा सा होल किया गया है, उसके ब्रेन के कुछ प्रेशर फ्लूइड्स होते हैं उनको रिलीज करने के लिए, बट अभी तो ये बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत सेफ तरीके से होता है। लेकिन पहले ये क्या होता था, पहले ये सोचते थे कि उनके अंदर कोई स्पिरिट आ गई है या कोई डीमन आ गया है, डीमन का मतलब होता है राक्षस, तो उसके अंदर कोई राक्षस या कोई स्पिरिट ऐसी चीज़ आ गई है, तो उस टाइम पे लोग उनके स्कल में छेद करते थे ताकि वहाँ से वो बाहर निकल जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ ऐसे लोग थे जो सरवाइव कर जाते थे उसके बाद भी, मतलब उनके स्कल में अगर होल कर भी दिया जाए उसके बाद वो एक्चुअली में थोड़ा सा उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते थे। तो वो होता क्या था, वो वही होता था जो आज के टाइम पे करते हैं, जिसकी वजह से वो जो कुछ प्रेशर फ्लूइड्स होते हैं माइंड में, जैसे नस कहीं दबी होती है कुछ होता है तो वो रिलीज हो जाती है, तो वो चीज़ उनको, लेकिन उस टाइम वो पता नहीं था तो वो अंदाजे से करते थे, तो सब लोग नहीं सरवाइव कर पाते थे लेकिन कुछ लोग बच जाते थे, और वो जिंदा लोगों पे करते थे, ऐसा भी नहीं था कि वो बेहोश करके कर रहे हैं। तो ये तरीका था पहले किसी की एबनॉर्मैलिटी ठीक करने का। फिर उसके बाद जब हिपोक्रेटिस वगैरह आए, इन्होंने बोला कि ये जो है, ये लोग भी मानते थे वैसे डिमोनिक पोजेशन पे, ये लोग भी मानते थे, ये भी यही कहते थे कि अगर किसी को कोई एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है तो वो उनके अंदर कोई डीमन है ना कोई इस टाइप की चीज़ है। लेकिन जैसे हिपोक्रेटिस ने बोला कि अगर हमारे बॉडी के अंदर जो चार ह्यूमर्स होते हैं, जो हमने पर्सनालिटी में भी पढ़ा था कि वो बोलते हैं कि हमारी बॉडी चार ह्यूमर्स से बनती है, तो वो कहते हैं कि जो चार ह्यूमर्स हैं फ्लैम बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड, येलो बाइल, इसका अगर इम्बेलेंस हो जाता है तो हम एबनॉर्मल बिहेव करते हैं।
तो इन्होंने थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश करी कि लोग इतना ज़्यादा डीमंस वगैरह की बात ना करें। थोड़ा इन्होंने उसको अपने बायोलॉजिकल तरीके से समझाने की कोशिश करी कि हमारे अंदर कुछ फ्लूइड्स हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हम एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब मिडल एजेस आई तो वहाँ पे तो मिडल एजेस में तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिट का पोजेशन करना बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे उस एज में तो लोग, मतलब वो मानते थे कि एक्चुअली में स्पिरिट्स ही हैं जो वो करती हैं, जो कि जैसे किसी के अंदर कोई स्पिरिट चली जाती है तो वो इस तरीके से बिहेव करता है। उनका तो बहुत स्ट्रांग बिलीव था इस चीज़ में, क्योंकि वो चर्च चर्च कैथोलिक चर्च रोमन कैथोलिक चर्च वगैरह की जो भी टीचिंग्स होती हैं उनमें वो बहुत बिलीव करते थे। लोग बहुत रिलीजियस थे, बहुत कल्चरल थे, तो ये मानना उनका बहुत ही कॉमन था कि अगर कोई ढंग से बिहेव नहीं कर रहा है नॉर्मल तरीके से तो उसके अंदर कोई डीमन या कोई स्पिरिट है। तो क्या तरीका होता था, एग्जॉर्सिज्म एक तरीका होता था उसको ठीक करने का। और उसी टाइम पे जब रेनेसां पीरियड आया था उसी के आसपास डिमोनिक पोजेशन के साथ साथ वो विच क्राफ्ट के बारे में भी बात होने लग गई थी कि विचेज होते हैं, विच होते हैं जो जैसे चुड़ैल बोलते हैं हिंदी में, कि ये जो मेंटली इन लोग होते हैं उनको विचेस बोला जाता था और उन लोगों को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। मतलब अगर हम अंदाजे से ये कह रहे हैं कि अगर गिना जाए तो कम से कम 1 लाख ऐसे लोग होंगे जिनको चुड़ैल बोल के जला दिया या पत्थर मार के मार दिया इस टाइप से, क्योंकि वो उनको उस टाइम पे ये चीज़ पे ज़्यादा बिलीव था कि हमारे अंदर जो है वो कुछ ना कुछ डिमोनिक पोजेशन है। इस एंगल साइंटिफिक एंगल से वो लोग नहीं सोच पाते थे। तो अब इतना सब हिस्ट्री में जो था उसको एबनॉर्मल ऐसे मानते थे, ऐसे एक्सप्लेन करते थे। वो लोग उनके लिए एक सॉलिड पॉइंट था एबनॉर्मल एक्सप्लेन करने का कि भाई जिसके अंदर कोई स्पिरिट आ गई वो एबनॉर्मल है, या फिर जैसे हिप्पोक्रेटिस ने बोला कि जिसके अंदर के जो फ्लूइड है वो इम्बैलेंस हो गए वो एबनॉर्मल है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, जब हम लोग इतने ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, एजुकेट हो चुके हैं, हमें पता है कि क्या चीज़ हो सकती है क्या नहीं हो सकती, तो आज के टाइम पर भी आप कैसे एक नॉर्मल को और एक एबनॉर्मल को कैसे अलग करोगे। जैसे सपोज यहाँ आपको ये पिक्चर जो दिख रही है, यहाँ पे अगर ये आदमी ऐसे डांस कर रहा है, आसपास लोग जा रहे हैं आ रहे हैं नॉर्मली और ये अपना डांस कर रहा है यहाँ पे, तो आप इसको नॉर्मल बोलोगे कि अब नॉर्मल बोलोगे? और अगर मैं आपको कंटेक्स्ट बदल के बताऊँ कि ये आज का जो दिन है जिस दिन ये डांस कर रहा है, ये 4 जुलाई है जो कि अमेरिका US का इंडिपेंडेंस डे माना जाता है, तो इसलिए वो ऐसे डांस कर रहा है। अब मेरे कंटेक्स्ट बदलने से आपकी थिंकिंग भी चेंज हो जाएगी। पहले आप सोचोगे कि अगर ये नॉर्मली ऐसे डांस कर रहा है किसी दिन यहाँ खड़ा होके तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन अगर मैंने बोला वो 4 जुलाई का दिन है जो उनका इंडिपेंडेंस डे होता है, तब आप सोचोगे नहीं फिर तो ठीक है, फिर तो इसका लॉजिक बनता है कि ये डांस कर रहा है। तो इसका मतलब नॉर्मल भी और एबनॉर्मल भी फिक्स नहीं है, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है कि वो बिहेवियर उस टाइम पे किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। अगर कॉन्टेक्स्ट सही नहीं है तो बिहेवियर एबनॉर्मल हो गया। तो इसलिए नॉर्मल या एबनॉर्मल जो भी है वो इतना सिंपली हम किसी को नहीं बोल सकते कि वह एबनॉर्मल है। जैसे हम बोलते हैं कि न्यू नॉर्मल आजकल आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको सुनने में आ रहा होगा न्यू नॉर्मल, जैसे जब से कोरोना वगैरह की प्रॉब्लम आई है तो अब आजकल न्यू नॉर्मल क्या है कि मास्क पहन के जाना है, दूर बैठना है और दूर दूर से बात करनी है, डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, सब न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं। डिजिटली क्लासेस हो रही हैं स्कूल्स में, न्यू नॉर्मल हो गया है। तो इसका मतलब नॉर्मल बदल सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि नॉर्मल फिक्स है। अगर आप किसी एक चीज़ को पहले 6 महीने पहले नॉर्मल बोलते थे, और अगर आपको जैसे आप नॉर्मली आप सोचो खुद ही 6 महीने पहले या कोरोना की प्रॉब्लम से पहले अगर आप सड़क पे जा रहे हो, लोगों ने बहुत सारे मास्क लगा रखे हैं, जैसे हम देखते हैं जो फॉरनर्स आते हैं वो मास्क लगा के रखते हैं, हमें थोड़ा सा ऑड लगता है देखने में कि क्यों हमेशा मास्क लगा के रखते हैं। लेकिन अगर आपको बाहर जाते हो तो आपको मोस्टली लोग मास्क लगाते हुए दिखते हैं, तो इसका मतलब अब नॉर्मल बदल गया है। तो नॉर्मल भी फिक्स नहीं होता है, नॉर्मल के पीछे का भी एक बैकग्राउंड होता है, उसके पीछे का भी एक कंटेक्स्ट होता है जिसमें हम नॉर्मल को भी बदल सकते हैं। तो हमेशा ही कोई नॉर्मल या कोई अबनॉर्मल की कैटेगरी में नहीं आएगा जब तक कि कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं जो उसमें होने चाहिए, और वो कौन से फीचर्स हैं वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। अब पहले जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि ईजिली एबनॉर्मल को अगर डिफाइन करना है तो सीधी बात आपने ये कह सकते हो कि बिहेवियर दैट इज़ नॉट नॉर्मल, जो बिहेवियर नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल हो गया। तो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन क्या कहती है कि नॉर्मल क्या होता है,
स्टैटिस्टिकल मतलब अगर मैथमेटिकल उसमें जाओ तो जो बिहेवियर बार बार हो रहा है, फ्रीक्वेंटली मतलब जो चीज़ होती है वो नॉर्मल होती है, जो फ्रीक्वेंटली नहीं होती, रेयर होती है, वो एबनॉर्मल होती है। जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो वो एबनॉर्मल है, अगर वो बहुत कम बोल रहा है तो भी वो एबनॉर्मल है। तो डेफिनेशन क्या है वो इस टाइप के बिहेवियर पे? रेयर दो रेयर पॉसिबिलिटीज़ कौन सी है? एक तो ये हो गया कि कोई बिल्कुल ही नहीं बोलता, वो एबनॉर्मल लग रहा है। एक रेयर पॉसिबिलिटी ये हो गई कि वो इतना ज़्यादा बोलता है कि जो मतलब कि बिल्कुल ही एबनॉर्मल लगता है। तो इसका इस केस में नॉर्मल क्या हुआ कि जो नॉर्मली बात करे, जो ना ज़्यादा बोले ना कम बोले। लेकिन अगर हम यही स्टैटिस्टिक्स वाली बात हैप्पीनेस पे लगाएं तो अब हैप्पीनेस के केस में क्या, अगर हम जो बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्या वो एबनॉर्मल हो जाएगा? तो दैट मीन्स इस केस में तो ये काम ही नहीं करेगा कि जो बहुत ज़्यादा हैप्पी है उसको हम एबनॉर्मल बोल दें। या फिर अगर इंटेलिजेंस की बात कर लो, अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो क्या वो वो हो जाएगा एबनॉर्मल हो जाएगा? तो यहाँ पे आपकी स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन नहीं काम कर पाएगी, जो उस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कोई बिहेवियर कितनी बार हो रहा है, मतलब एक नॉर्मल से कहीं ज़्यादा बार हो रहा है कि नॉर्मल से बहुत कम बार हो रहा है। उस केस में फिर हम हैप्पीनेस, इंटेलिजेंस इस टाइप की चीज़ें नहीं ले सकते। तो दूसरी चीज़ क्या आती है? सोशल नॉर्म डेवियंस। सोशल नॉर्म डेवियंस का मतलब है जो हमारे सोसाइटी के नॉर्म से या स्टैंडर्ड से अलग है, सोसाइटी के नॉर्म से अलग हट के कोई चीज़ है। अब इस केस में जैसे हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स में ये है कि हम जो है कुछ प्रॉपर क्लोथिंग पहने बिना बाहर नहीं जा सकते, हमारी सोसाइटी में न्यूडिटी परमिट नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो वो एबनॉर्मल है। लेकिन अगर एक और नॉर्म है, अगर कोई हमारी सोसाइटी में, या हम सोसाइटी का मतलब है मैं कल्चर की बात कर रही हूँ, हमारे कल्चर में कोई साधु बन जाता है, मॉन्क बन जाता है, तो वो भी तो एक तरीके से अब नॉर्मल माना जाना चाहिए क्योंकि वो अपना नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहा है, वो सब कुछ छोड़ के चला गया है। तो लेकिन उसको तो हम एबनॉर्मल नहीं मानते हैं। तो इस केस में भी तो ये नॉर्म डेवियंस वाली थ्योरी फिट, सब जगह फिट नहीं बैठेगी। वो न्यूडिटी के केस में फिट आ गई, लेकिन अगर मॉन्क की केस की बात करी जाए तो उसमें फिट नहीं आ रही है। फिर आता है सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि सिचुएशन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे ऊपर मैंने आपको ये फ़ोटो दिखाई थी, इसमें सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट का यूज़ किया था मैंने। अगर सिचुएशन कुछ नहीं है तो ये ऐसे कर रहा है तो हमें लगेगा एबनॉर्मल है। अगर सिचुएशन है, कोई डे है जिस दिन ये ऐसे कर रहा है, तो हमें लगेगा नॉर्मल है। तो ऐसे ही सिचुएशनल भी होता है। अब जैसे यहाँ एग्जांपल है कि कोई बंदा है वो थेरेपिस्ट के पास जा रहा है और बोल रहा है मेरे को कोई पीछा कर रहा है, मुझे कोई मारना चाहता है, मेरे पे कोई स्पाइंग कर रहा है। तो थेरेपिस्ट को ये लगेगा कि इसको डिल्यूजन्स हो रही हैं, उसको फीलिंग ऑफ परसिक्यूशन मतलब ये होता है जिसमें लोगों को ऐसा लगता है, होता नहीं है पर उनको बार बार ऐसा लगता है कि कोई उनको मारना चाहता है। लेकिन अगर वो आदमी साथ में ये भी जोड़ दे कि मेरे को कोई ऐसे मुझे लग रहा है मारना चाहता है क्योंकि मैं एक ऐसे कैंपेन में, ऐसे प्रोग्राम में हूँ जहाँ पर मैं विटनेस को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि उस विटनेस ने किसी को मर्डर करते हुए देखा था। अब ये पूरी कहानी उस थेरेपिस्ट को समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब ये सही बोल रहा है, इसको हेलुसिनेशन या इसको डिल्यूजन नहीं हो रही है। तो इस केस में पूरा ही इसका वो बदल गया, कॉन्टेक्स्ट बदल गया। थोड़ी देर पहले थेरेपिस्ट इसको एबनॉर्मल डिक्लेयर करने वाला था और बाद में पूरी बात सुनने के बाद वो इसको बिल्कुल ही नॉर्मल मानेगा। फिर आ जाता है सब्जेक्टिव डिस्कम्फर्ट। सब्जेक्टिव डिस्कम्फर्ट में क्या है? कोई चीज़ मेरे लिए एबनॉर्मल हो सकती है, शायद दूसरे के लिए ना हो। अगर मैं किसी का मर्डर कर दूं जाके तो वो मेरे लिए एकदम एबनॉर्मल चीज़ हो जाएगी जो मेरे से नहीं होगी। लेकिन अगर कोई सीरियल किलर है उसको अगर आप पूछो तो वो उसके लिए एकदम नॉर्मल बात है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि कोई वुमेन है जिसको घर से बाहर जाने में डर लगता है, उसको एंग्जाइटी होती है, वो घर से जाना नहीं चाहती। उस केस में उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है क्योंकि लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, मैं क्यों नहीं जा पाती। और वही इन्होंने कंपेयर किया कि सीरियल किलर है, उसको तो डर नहीं लगता है किसी को मारने में, उसको तो कोई डिस्ट्रेस नहीं होता है। तो दोनों के केस में नॉर्मल अलग हो गया। फिर आता है इनएबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली। अगर मैल अडेप्टिव बिहेवियर है, मैल अडेप्टिव बिहेवियर का मतलब है कोई ऐसा बिहेवियर है जो आपको अपने डे टू डे काम में डिस्टर्ब करता है। जैसे जो ड्रग्स लेते हैं जो लोग, उनका मैल अडेप्टिव बिहेवियर है, वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो अपने डे टू डे लाइफ में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है उनके, तो उसको क्या हम एबनॉर्मल की कैटेगरी में डाल देंगे?
तो अब फाइनली एक और पर्सपेक्टिव है, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। कल्चर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। कुछ कल्चर में कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं, दूसरे कल्चर में कुछ चीज़ें। अब ऐसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको लगता है कि किसी कल्चर में लोग कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे कल्चर में एकदम एबनॉर्मल लगेगा सुन के, कि ये तो बहुत एबनॉर्मल सी बात है, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो उनके केस में तो वो नॉर्मल है बिल्कुल। तो यहाँ पे सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव आ गया। तो कल्चरल रिलेटिविटी यही बोलती है, इट इज़ अ टर्म रेफर्स टू द नीड टू कंसीडर द यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर इन विच पर्सन विद अ डिसऑर्डर वॉज नर्चर्ड। तो अगर कोई थेरेपिस्ट है जो किसी एक पेशेंट को डायग्नोस कर रहा है, जो वो पता करने की कोशिश कर रहा है कि इस पर्सन को प्रॉब्लम क्या है, अगर वो उसके कल्चर के बारे में नहीं जानेगा और ये नहीं देखेगा कि वो कहाँ बड़ा हुआ है, वहाँ की नॉर्मल चीज़ें क्या है, तो वो उसको गलत जज करेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको उसका नॉर्मल बिहेवियर भी अब नॉर्मल लगने, मान लो प्रोफेशनल जो थेरेपिस्ट है वो दूसरे कल्चर का है और जो पेशेंट आया है वो किसी और कल्चर का है, और थेरेपिस्ट को नहीं पता उसके कल्चर में क्या चीज़ें नॉर्मली होती हैं, अब वो उसको अपने बारे में बताएगा तो थेरेपिस्ट तो सोचेगा कि इसको तो बिल्कुल टोटली ये तो नॉर्मेलिटी से बाहर है। लेकिन अगर उसके कल्चर के बारे में वो जानता होगा, उसे पता होगा कि उसके कल्चर में कुछ चीज़ें नॉर्मल मानी जाती हैं जो कि हमारे में नहीं है, तो वो उसको सही से उसकी काउंसलिंग कर पाएगा, समझ पाएगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने एशियन कल्चर का एग्जाम्पल दिया है, जैसे हमारे कल्चर में, एशियन कल्चर में इंडिया भी आता है, इसमें मेंटल इलनेस को एक बहुत ही ज़्यादा डिसग्रेस माना गया, मतलब शर्म वाली बात मानी गई है। अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो वो किसी को बताते नहीं है, वो ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर किसी को पता चल गया घर में किसी की मेंटल इलनेस है तो हो सकता है घर में जो बच्चे हैं उनकी शादी नहीं होगी आगे जाके, या उनको आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी, लोग उनको बॉयकॉट कर देंगे, कुछ इस तरह के वो हैं, स्टिग्मा अटैच हो रखे हैं हमारे मेंटल इलनेस से। जबकि अगर फिजिकली इल हो तो लोग खुल खुल के बताते हैं, मेरे को आज चोट लगी, मेरे को आज फ्रैक्चर हो गया, मेरी तबीयत खराब है, वो चीज़ तो लोग और बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। लेकिन अगर मेंटल इलनेस है तो वो बताते ही नहीं है बिल्कुल भी, जो कि उससे और भी ज़्यादा डेंजरस है। तो यहाँ पे ये कल्चरल रिलेटिविटी आ गई कि क्या चीज़ नॉर्मल मानी जाती है और क्या नहीं मानी जाती। और कल्चरल बाउंड सिंड्रोम्स भी होते हैं कई बार, जैसे हमने ये दो पढ़ी हुई है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ये दोनों ऐसे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जो कि वेस्टर्न सोसाइटी में ही मिलते हैं ज़्यादातर। तो इस तरह कल्चरल बाउंड सिंड्रोम्स भी हो सकते हैं, जिनको याद नहीं है मैं बता देती हूँ। एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है जब टीनेज जो बच्चे होते हैं एडोलेसेंट, वो खाना खाना छोड़ देते हैं ताकि उनकी जो ताकि उन्हें ये डर होता है कि कहीं वो मोटे ना हो जाए, उनकी फिगर ना ख़राब हो जाए, तो वो खाना खाना छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, मतलब वो भूखे मरने के लेवल तक आ जाते हैं। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि ये खाते हैं उसके बाद उसको उल्टी करके या पर्जिंग से निकाल देते हैं। तो ये दोनों ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जो कि वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक इन टू अकाउंट अदर बैकग्राउंड एंड इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी देखना ज़रूरी है, एजुकेशन लेवल भी देखना ज़रूरी है, लैंग्वेज के बेस पे भी, डिग्री ऑफ ए कल्चरेशन, ए कल्चरेशन मतलब आप दूसरे कल्चर में गए हो अगर, तो वहाँ पे आप अपने अपने कल्चर से दूसरे कल्चर में कैसे कोशिश कर रहे हो अडाप्ट करने की, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको किसी को भी एबनॉर्मल अगर आपने बोलना है तो पहले आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है, उसके पीछे का बैकग्राउंड, उसका कल्चर, उसकी डिग्री ऑफ एजुकेशन लेवल, उसका स्टेटस, तब जाके आप ये कहीं ना कहीं बता सकते हो कि ये बंदा जो है वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एबनॉर्मैलिटी के कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हम इसको एबनॉर्मल में ही डालेंगे। जैसे कि कोई ऐसा बिहेवियर जो अनयूजुअल है और उसकी वजह से जिसको जो क्लाइंट है या जो पेशेंट है उसको एक पैनिक, बार बार उसको पैनिक फेस करना पड़ता है, बार बार वो घबरा जाता है या वो डिप्रेस हो जाता है, इसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। कोई ऐसा बिहेवियर जो उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कर रहा है, तो हम उसको एक एबनॉर्मल की कैटेगरी में ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी कल्चर का हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, कहीं का भी हो। लेकिन अगर कोई ऐसा बिहेवियर है जो उसको उसको परेशान कर रहा है उसको नॉर्मल डे टू डे लिविंग में, तो वो उसका एबनॉर्मल में हम काउंट कर सकते हैं। फिर ऐसा कोई बिहेवियर जो सोशल नॉर्म के अगेंस्ट है, लेकिन डिपेंड करता है कि उस टाइम पे सोशल नॉर्म क्या है। जैसे एक टाइम पे होमोसेक्सुअलिटी अगेंस्ट थी सोशल नॉर्म के, लेकिन अब नहीं है,
तो वो भी डिपेंड करता है कि सोशल नॉर्म क्या है उस टाइम। फिर अगर कोई बिहेवियर ऐसा है जिसमें पर्सन को एक डिसकंफर्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा उसको डिसकंफर्ट लगता है, मे बी वो सब्जेक्टिव हो, मतलब वो उसको लगता हो, किसी और को ना लगता हो, लेकिन जिस पर्सन को लग रहा है वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। या फिर कोई ऐसा बिहेवियर जो मैल अडेप्टिव है और उसकी वजह से वो अपने नॉर्मल डे टू डे काम नहीं कर पा रहा है, तो जैसे लोग ड्रग्स लेते हैं या एंटी सोशल बिहेवियर होता है जिसमें वो अपने डे टू डे नॉर्मल लिविंग की बजाय गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो उसको भी हम ले सकते हैं नॉर्मल बिहेवियर में। और लास्ट में, क्या वो बिहेवियर बहुत ज़्यादा डेंजरस है उसके लिए और दूसरों के लिए, ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो उसके लिए डेंजरस हो सकती है, जैसे कोई डिप्रेशन में इतना ज़्यादा है कि वो सुसाइड कर ले, तो उस केस में बहुत ज़रूरी है कि उसको एक एबनॉर्मल बिहेवियर मान के उसको डायग्नोस करना है, उसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन सा है वो पता करना है और उसकी ट्रीटमेंट करनी है। सो एबनॉर्मल बिहेवियर दैट इंक्लूड्स एटलीस्ट टू ऑफ दीज फाइव क्राइटेरिया, मतलब इन पांचों में से अगर दो भी आपको किसी के अंदर दिखते हैं तो फिर उस केस में हम उसको किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में, उसको हम बोल सकते हैं कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है। वो कौन सा है वो उसके सिम्टम पर डिपेंड करता है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, विच इज़ डिफाइंड एज एनी पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट कॉजेज पीपल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, कॉजेज देम टू हार्म देमसेल्व्स और अदर्स। तो या तो बहुत डिस्ट्रेस हो रहा है उसको, या वो अपने आप को हार्म कर रहा है या किसी और को हार्म कर रहा है, और या फिर अपना डेली जो फंक्शनिंग होती है, सुबह उठ के तैयार होना, ऑफिस जाना, ये सब काम नहीं कर पा रहे, तो इन सब ऐसे केस में हम उस पर्सन को एबनॉर्मल या फिर उसकी बीमारी को हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। अब आगे चलेंगे एबनॉर्मेलिटी वर्सेस इंसैनिटी, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस, कि इंसैनिटी जो वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है इनसेन, जिसको हम पागल बोलते हैं, इनसेन और एबनॉर्मल में क्या फ़र्क होता है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।